मेरे पास इंफॉर्मेशन जो जब मुझे मिली कंसर्न रेंजर सर्वेरिना के जरिए जब इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने उसी वक्त जो हमने कंट्रोल रूम फर्स्ट कंट्रोल रूम अनंतनाग वहाँ रवाना किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनके साथ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स मिलके वो वहाँ जाए वारदात पर वो पहुँचे तो वहाँ से एज रिपोर्टेड बाय द टीम वहाँ पे कुछ कश्मीर नोटिस के तहत जो हम ड्राई फॉर्म देते हैं तो उसमें कुछ एक्सेस टिम्बर पाया गया। दूसरी बात उनके रिपोर्ट के मुताबिक तो उन्होंने कुछ वहाँ जो ड्राई फॉर्म वहाँ पड़ा था वो उन्होंने सीज की, उसमें जो मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ उन्होंने एज रिपोर्टेड बाय द कंसर्न सब उन्होंने वहाँ पे FIR लॉज पुलिस स्टेशन दूरू में उसके खिलाफ FIR लॉज किया। दूसरी बात अगर हम ये मान के चलेंगे कि फायर प्रोटेक्शन सिनेरियो जो है उस पर हम इस वक्त एक हकमे तमनी तैयार कर रहे हैं पूरे फॉरेस्ट डिवीजन में, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पे हमें स्टाफ की भी कमी है तो वहाँ भी वो पूरा करने की ज़रूरत भी है। तो मैं कोशिश करूँगा हमें ये जो कंट्रोल रूम हमने बनाया फॉरेस्ट डिवीजन अनंतनाग में ये कंट्रोल रूम 24 आवर्स ऑन टू रहेगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है अगर कहीं कहीं पर ये वाकयात रोनुमा होते हैं तो मुझे लगता है आइंदा ये बिल्कुल ये जो वाकयात है ये आप खुद को सुनने में नहीं आएंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे जो पूरा जो फॉरेस्ट रेंज कुल वेरीनाग हो या कुकरनाग हो या जो कुठार हो तो हमने पूरी एक रेंज ऑफिसरों की मीटिंग हमने बुलाई। मैंने रेंज ऑफिसरों को हिदायत दी कि वो अपने अपने रेंज में अपने अपने जो ब्लॉक हैं ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट गार्ड जो हैं वहाँ के जितना भी स्टाफ है मैंने उनको डायरेक्शन दी कि वो 24 आवर्स अपने अपने जगहों पे अवेलेबल रहे ताकि अगर वो 24 आवर्स ड्यूटी दें। क्योंकि खासकर अगर मैं वेरना की बात करूं वहाँ का जो मैंने स्टाफ लाया वहाँ पे जो कंसर्न स्टाफ है उनको कुछ कमी थी, मैंने उनको बोला जो कैजुअल लेबरर्स है क्योंकि वो भी वेजेस ले रहे हैं मैंने उनको बोला कि उनकी भी सर्विस ले लो क्योंकि वो भी मतलब इंसान ही है, अगर तनख्वाह कम लेते हैं तो फिर भी मतलब वो वाच एंड वार तो कर सकते हैं। मैंने बोला उनसे भी असिस्टेंस ले लो उनकी भी जिम्मेदारी दे दो, अगर वो कुल मिला के जो हमारे बीट है अगर बीट में अच्छी तरह से स्टाफ रहेगा स्टाफ फिर 24 आवर्स वहाँ के ड्यूटी देगा तो मुझे लगता है कि किसी जगह स्मगलिंग को हम कामयाब नहीं होने देंगे। या ऐसी डायरेक्शन भी पूरे फॉरेस्ट जुड़ा अनंतनाग में जितने भी हमारे रेंज अफसर हैं या ब्लॉक फॉरेस्ट अफसर या फॉरेस्ट गार्ड वॉचर्स कैजुअल लेबर सबको मैंने डायरेक्शन दी कि वो 24 आवर्स अपने अपने ड्यूटी में अवेलेबल रहे ताकि समझने का समझने को कोई चांस नहीं मिलेगा समझने करने का।